माननीय उपसभापति जी, ये दोनों घटनाएं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जिसका उल्लेख शरद जी ने किया। पहले तो एक स्थानीय 19 वर्ष का किशोर, उसकी मृत्यु हुई और उसके बाद नाइजीरियाई छात्रों के साथ बेहद मारपीट हुई। जैसे ही इस घटना की जानकारी मुझे मिली, तैसे ही मैंने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी और मैंने स्वयं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी से बात की और मैंने ये कहा कि आप निष्पक्ष जांच का आश्वासन सबसे पहले दीजिए लोगों को और मैं स्वयं भी इस बारे में बात करूंगी। मेरे सहयोगी मंत्री MJ अकबर जी ने बात की, मेरे सहयोगी मंत्री जनरल VK सिंह जी ने बात की, मैंने स्वयं ने बात की और योगी आदित्यनाथ जी ने फ़ोन करके ये कहा कि जाँच बिल्कुल निष्पक्ष होनी चाहिए। मेरा ये कहना है कि जब तक जाँच का परिणाम नहीं आ जाता तब तक इसके बारे में कुछ और हमको कहना उचित नहीं होगा। वो जांच का परिणाम आ जाए, वहाँ का प्रशासन दोनों चीज़ें कर रहा है। वहाँ का प्रशासन ये भी कर रहा है कि पूरी सुख और शांति रहे। जिन नाइजीरियाई बच्चों को मार लगी है उनका इलाज भी हो रहा है, लेकिन जब तक निष्पक्ष जांच इसकी नहीं हो जाती, जैसे कि मैंने कहा है, स्वयं मुख्यमंत्री ने यह आश्वासन दिया है और मैं उनकी तरफ से भी और अपनी तरफ से पूरे सदन को आश्वस्त करती हूं कि इस घटना की निष्पक्ष जांच होगी और उसके बाद जो कार्रवाई जिसके खिलाफ करनी होगी हम करेंगे। थैंक यू। नाउ